हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिस और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेस्ट इन भोपाल। बेस्ट इन भोपाल एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे हम आपको बताते हैं भोपाल की बेस्ट चीजों के बारे में, बेस्ट दुकानों के बारे में, बेस्ट मार्केट के बारे में और घूमने की जगहों के बारे में जो कि बेस्ट है आपके लिए। इस बार बेस्ट इन भोपाल लेकर आया आपके लिए एक नया अपडेट, ताजा अपडेट। इस बार ओल्ड भोपाल में भी महोत्सव मेला लगा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आए मेले में जो कि ओल्ड भोपाल में लगा है और उत्तर विधानसभा महोत्सव मेले के नाम से लगा है। ये ओल्ड भोपाल में पहली बार लगा है मेला और ये रहेगा दिसंबर से जनवरी 2023 तक। और आइए चलकर मेला समिति मेंबर्स से बात करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या खास है इनके मेले में जो एक बार आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष श्रवण है और मैं इस मेले का अध्यक्ष हूँ। तो सर आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इस बार आपने मेले में क्या क्या व्यवस्था करी है लोगों के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल जैसे अपन अभी जूझे हैं, उस काल में अपन ने बहुत पिछड़ गए थे, तो हमने लगा कि यहाँ के बच्चे, बड़े, महिलाएं, बहनें हमारी बहुत दूर हो गई थी चीजों से, तो हमने इस उत्तर विधानसभा महोत्सव मेले का आयोजन रखा है इस्लामी गेट ग्राउंड में। चूंकि आज का दिन था, हमारे विधायक माननीय आरिफ अकील साहब ने पीता काट कर इस मेले का उद्घाटन करा और उनके साथ उनके सुपुत्र आतिफ अली साहब भी थे और पार्षदगण सभी अध्यक्ष महोदय हमारे जो कि मसूद जी भी मौजूद थी यहाँ पर। और सर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या खास है आपके मेले में जो एक बार यहाँ पे सबको जरूर आना चाहिए? मैं बताना चाहूंगा कि इस्लामी गेट ग्राउंड चूंकि भोपाल की धड़कन है, भोपाल का दिल है, बीचों बीच है, शाहजहानाबाद पुराना शहर है, इसके बीच हमने नाव, बड़ी नाव जिसके अंदर 100-125 लोग बैठते हैं, जोंडविल है, काफ़ी ऊपर से नीचे जाता है, ब्रेक डांस है जो कि आगे पीछे होता, काफ़ी अच्छा एक ड्रैगन है, काफ़ी लंबी ड्रैगन है जो कि ग्राउंडिंग करती है, बच्चों के छोटे छोटे झूले हैं जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे नौनिहाल वो बड़े आनंद ले सकें, खाने के स्टॉल लगाएँ। उत्तर विधानसभा के विधायक माननीय आरिफ अकील साहब और उनके सुपुत्र आतिफ अकील साहब की सहमति, उनके आशीर्वाद से इस मेले का हम आयोजन करने जा रहे हैं और सभी से हम निवेदन करेंगे जनता से, भोपाल की जनता से, कि आप ज्यादा से ज्यादा आके इस मेले को सफल बनाएं। हेलो सर। जी सर आपका नाम? मेरा नाम मसूद अली। और सर आप हमारे व्यूअर्स को इस मेले के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये जो हमने यहाँ मेला आयोजित किया है ये इसका नाम उत्तर विधानसभा मेला है, जो कि हमारे बड़े प्रयासों से, हमारे नेताजी के प्रयासों से यहाँ मेला लगाया है। हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारी उत्तर विधानसभा की जनता है, जो भोपाल की जनता है, उसके लिए हमने ये इस्लामी गेट ग्राउंड में मेला लगाया है और यहाँ पे हमने अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे झूले लगाए हैं, बड़ा झूला लगा हुआ है, नाव लगी हुई है, गोल्ड व्हील है, मिक्की माउस है और बच्चों के तरीके तरीके के झूले हैं और बोर्डिंग क्लब भी है और बहुत सारी खाने की व्यवस्था है, बाकी बर्तन कपड़े की दुकानें हैं, बहुत सारे स्टॉल हैं, जूस के स्टॉल हैं, आइसक्रीम के स्टॉल है। इस्लामी गेट मैदान में हमारा लगाने का ये लक्ष्य है कि ज्यादा दूर जनता जाती है, इसलिए हमने सिटी के बीच में लगवाया है मेला कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जनता, हमारी माँ बहने, हमारे दोस्त प्यार, भाई बहन, भांजा भांजी, भतीजे सब यहाँ पे आ जाए और इस मेले का आनंद ले सके, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हमारे साथ यहाँ के हमारे बड़े भाई आशीष भाई भी खड़े हुए हैं और अनिस भाई भी हैं, ये मेला समिति के लोग हैं, इनकी बहुत मेहनत है और हमारी प्रयासों से ये मेला यहाँ लगाया गया है, क्योंकि इस मेले का सब में बड़ा ये है कि यहाँ पे सब चीज़ें जो है हमने सस्ते रेट में लगवाई हैं कि जनता जो कि आसानी से खरीद सके, झूल सके और क्योंकि हमारी जनता एक मनोरंजन कर सके, हमारा ये सब में बड़ा लक्ष्य है। तो सर भोपाल के लोग इस मेले में आसानी से आ पाए उसके लिए एक बार अब अपने मेले का एड्रेस बता दीजिए। हमारा मेले का एड्रेस है इस्लामी गेट ग्राउंड, सिंधी कॉलोनी और शाहजहानाबाद रोड। इस मेले में ये खूबी है कि हमारी पार्किंग की व्यवस्था भी, एक पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास पार्किंग की भी। और सर इस मेले की टाइमिंग क्या है? इस मेले की टाइमिंग शाम के 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक की टाइमिंग है। और आपके मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होंगे? जी, इसमें हमारे कव्वाली का है, मुशायरे का है और बच्चों का डांस वांस का भी कार्यक्रम है और हमने यहाँ पे जो डुप्लीकेट आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आएंगे, दिलीप कुमार है, गोविंद है, संजय दत्त है, धर्मेंद्र है, जानी लीवर है, ये भी हमने व्यवस्था करी है, तो जल्द से जल्द वो भोपाल आएंगे और फिर आप लोगों के साथ
यहाँ पे मौजूद रहेंगे। रंगारंग कार्यक्रम कौन सी तारीख से स्टार्ट होंगे? बस ये मान लो कि आप शुक्रवार से चालू रहेंगे हमारे पूरे प्रोग्राम। इस मेले की कोई खास बात या कोई स्पेशलिटी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? ये मेले की खास बात ये कि सिटी के बीचों बीच है, जो आबादी 2.5-3 लाख आबादी इस क्षेत्र में है, इस सेंटर का इस्लामिक गेट ग्राउंड कहा जाता है। तो हमारी माँ बहने जो ऑटो में 2-2, 3-3 सौ रुपए लगते हैं, उनके कोई पैसे नहीं लगना, कोई चार्ज नहीं लगना, और वो सब यहाँ घर से आ सकती है, पास के पास है नजदीक। और आपके मेले में कितने स्टॉल, कितनी दुकानें लगी? हमारे मेले में कम से कम 100 से लेकर 90 स्टॉल और दुकानें मौजूद हैं इस वक्त अभी। तो सर लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर विधानसभा जो पहली बार यहाँ मेला लगाया है, और जो आप लोग देख रहे हैं इस मेले को, बस सफल बनाए और जहाँ तक है लोगों तक ये बात पहुँचाए कि इस्लामी गेट ग्राउंड में मेला लगाया गया है। तो ये थे मेला अध्यक्ष और समिति सदस्य, जिन्होंने आपको बताया कि उनके मेले में क्या क्या खास है और क्यों आपको यहाँ पे एक बार जरूर आना चाहिए। इस मेले का एड्रेस है शादनाबाद ग्राउंड, ओल्ड भोपाल। तो यहाँ पे एक बार जरूर आएं और भोपाल के बारे में ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये है वेस्टर्न भोपाल।